कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। फर्स्ट टाइम मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा और हमने खाना भी खाया यहाँ पे, अच्छी गैदरिंग भी हुआ हमारा। ये जो हमारे जो ना कॉन्फ्रेंस हुआ था इधर IK वालों का, इसमें से हमने एक दूसरे के साथ जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने लिया, इंट्रोडक्शन भी हुए हैं। सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ नाम ही जानता हूँ, इनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अमाद साहब, जो कि इसका इंट्रोडक्शन वो खुद करेंगे, क्योंकि इसके ऐसे जो है ना हमारे लिए इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ परफॉर्मेंस कुछ वर्क्स ये कर रहे हैं, यूथ के लिए मैसेज भी देंगे। तो बहुत शुक्रिया सर अमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो बातें की, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप मुझसे पहले इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि आज हम आए थे यहाँ पे इवेंट के लिए, ज़्यादा बद इंतज़ामी थी, इंतजामिया के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत आई, लेकिन कॉन्फ्रेंस और गैदरिंग में इंसान जब जाता है कहीं पे किसी भी महफिल में बैठते हैं, तो उस महफिल से वो कुछ यादें उठा के लेके जाता है, जो कि अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, जो कि इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा होती है। कभी आप बुरी यादें उठा के कहीं से लेके जाते हैं, उससे कुछ सीखते, कभी अच्छी यादें लेके जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी हमारे लिए, क्योंकि मेरी तो आधी ज़िंदगी बचपन से लेकर आज तक आधी ज़िंदगी मेरी गैदरिंग में गुजरी, कभी किसी महफिल में बैठना, कभी किसी महफिल में बैठना मेरे लिए नई बात नहीं थी। काफ़ी चीज़ें सीख के हम उठते हैं, अगर कोई चीज़ नेगेटिव भी हो जाए तो हम पॉजिटिव वे में उससे कुछ हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ इतनी नेगेटिव बन चुकी है, नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव चीज़ें सुनकर कि उनको समझ ही नहीं आता कि पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, आप नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिवली कैसे लोगे? आप अगर नेगेटिव चीज़ से आप पॉजिटिव चीज़ें गेन करना स्टार्ट कर दें तो आपकी लाइफ खुद बहुत बदलना शुरू होगा। यूथ रिफॉर्म्स के लिए क्या कर रहे हैं? यूथ के हवाले से तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 40 कंट्रीज़ में अभी तक, और मैं इंटरनेशनल अवार्ड ले चुका हूँ। और अभी बात बलूचिस्तान में, हम नेशनल यूथ पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल पॉलिसी बलूचिस्तान की 2012 से नहीं बनी, जब पॉलिसी ही नहीं बनी तो फिर यूथ फंड कैसे आगे चला? मसला ये सर, ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को क्या पैगाम देते हैं? जिस तरह क्वेटा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना एक ही साइड के लोग हैं, एक ही माइंड के लोग हैं, और दूसरी बात हकूक की बात करें तो दोनों महरूम हैं, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के यही पैगाम होगा मेरा कि आप लोग निकले अपने हक के लिए, क्योंकि ये आपका हक बनता है। अगर आप यूथ अपने हक के लिए नहीं निकलेगी तो आपके लिए कोई बूढ़े और खवातीन तो निकलेंगे ही नहीं कभी। आपने खुद अपने हक के लिए निकलना है, आपके अंदर जो टैलेंट मौजूद है आपने वो टैलेंट दिखाना है दुनिया को, ताकि आपकी आवाज़ एक पावर बन सके, और पावर बनने के बाद ही आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये दुनिया का कानून है पाकिस्तान। अच्छा सर, ये जो हमारा PTI का जो है ना पार्टी है, स्पेशली इमरान खान साहब कहता है यूथ को जो है ना हम मौका देंगे, तो आप क्या समझते हैं यूथ के लिए जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? इमरान खान फॉर श्योर यूथ के लिए काम कर रहे हैं, वो यूथ को अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन इमरान खान की टीम से हम मुतमईन, उनकी टीम हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इमरान खान के साथ ऊपर तो हमें वो शक नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर बंदा है ना, वो कहेगा ना वो किसी को ताने देगा, वो यूथ के लिए एक अच्छे ख्वाब लेकर आए हैं कि वो कामयाब जॉन प्रोग्राम के नाम से, लेकिन टीम के मेम्बर से हम सेटिस्फाई नहीं। इनके लिए जो है ना क्या पैगाम देना चाहिए, क्या करना होगा हमारे यूथ? ये जो यूथ मिनिस्टर साहब है, यूथ के मुशीर इमरान खान साहब ने जिनको एडवाइज़र लिया, वो इस्मान डार साहब, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की कि जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी, इमरान खान के माइंडसेट के खिलाफ थी, जिसके खिलाफ हम खुद निकले बजा जाए। तो उस टाइम PTA का स्पोक्स पर्सन था, मैंने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप गलत कर रहे हैं ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं। अभी फिर उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया, कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बिला सूद कर दे, लेकिन उस फॉर्म के ऊपर अगर आप देखेंगे सर, आपने जो है ना लाइफ की बेस्ट मेमोरी शेयर करा, लाइफ की बेस्ट मेमोरी मेरी वो थी कि मैं अपने बचपन से मेरे माइंड में एक जगह होती थी जिसके बारे में पेंटिंग्स बना रहा होता था, और मैं सोचता था कि मैं शायद वो जगह देख सकूँ अपनी लाइफ में या नहीं, और जब किस्मत मुझे इस्तांबुल लेकर गई तो मैं पेंटिंग्स मेरे पास होती थी, और पेंटिंग्स में आज से ऐसे टूटी फूटी पेंटिंग्स बनाई हुई थी मैंने वहाँ की जगह को, और उस जगह के सामने बैठ कर अपनी उस पेंटिंग को देख कर जो आंसू निकलते थे खुशी के, वो आंसू मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि किस्मत का एक ऐसा यू टर्न था ये कि मेरी ज़िंदगी में वो लाया कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जिस जगह के बारे में दिन रात मैं सोचता हूँ वो जगह मेरे सामने ऐसे हो, बिल्कुल भी मैंने कभी सोचा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब।